आप यार रेड एफएम जयपुर से, मैं हूँ आरजे अर्जुन और अभी मैं अपने घर के अंदर हूँ मस्त। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने घरों के अंदर होंगे। सो अभी लोग ज्वाइन करते रहे तो कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए, कोई आने वाला है आज इस लाइव के अंदर भी। बार लोग ज्वाइन कर जाए, जितने भी लोग ज्वाइन करें प्लीज़ ऐसा नीचे लिखते रहना आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। मैं रेड एफएम जयपुर से हूँ, मैं जयपुर से ज्वाइन कर रहा हूँ। सो आज से आप लोगों के लिए एक कमाल का सेगमेंट शुरू किया गया है जिसका नाम है म्यूज़ साउंड थेरेपी। और इस साउंड थेरेपी में हमारे साथ आज जुड़ने वाली है शिल्पा राव, तो मस्त मज़ा होगा। वो गाना गाएंगी, मैं आपका होस्ट और आप ऑडियंस हुई। तो जो जो जहाँ से ज्वाइन कर रहा है प्लीज़ हेलो हाय लिखते रहना। और कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, मैं जयपुर से हूँ। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। बबीता तोमर, हाय आई एम उदयपुर से हो। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो आप लोगों के लिए हमने आज से शुरू किया है, रेड इंडीज शफल ने शुरू किया है आज से साउंड थेरेपी, जहाँ पे रोज़ हम कोशिश करेंगे या फिर वीक में एक दो बार कोशिश करेंगे एक कमाल का इंडी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े और हम लाइव करें उसके साथ और वो मस्त गाना गाए। और देखो यार, गाना सुनने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता है। सो बस उनका वेट करते हैं। मैं कोलकाता से हूँ। ओके, देखो यार बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं और हर जगह सिचुएशन जो है, एक बार मैं वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। रिक्वेस्ट आ गई है, नहीं आई है, आई गेस आ गई है। शिल्पा राव, एक सेकेंड ना वेट करना। यस, आई गेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने वाली है। सो मजा आएगा आज सिर्फ। हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? आई एम गुड, व्हाट्स गोइंग ऑन? बस बैठे हैं घर पे, अच्छा लग रहा है। पहले आदत नहीं थी घर पे बैठने की, बट अब अच्छा लग रहा है कि ठीक है घर के अंदर बैठे शांति से। हाँ यार, घर पे बैठो। आई थिंक इफ यू आर होम, आई थिंक यू द लकीस्ट। अभी आप कहाँ हैं? मुंबई? आई एम इन बॉम्बे। या आई एम होम, यस। वहाँ तो ऐसा बहुत धक धक सा लग रहा है मेरे को जब भी वहाँ की न्यूज पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहा है। आई होप वहाँ पे लोग सब घरों के अंदर होंगे। नहीं, बट दैट इज वन वे हाउ आई थिंक मुंबई इज बैटलिंग कोविड, इज बाय स्टेइंग होम। आई थिंक जब आप घर पे रहते हो तो यू टोटली एलिमिनेट दैट होल एक्सपोजर ना, तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड। अगर आप घर पे बैठ सकते हो तो प्लीज प्लीज सिट होम, देयर इज नो रीजन टू स्टेप आउट आई थिंक राइट नाउ। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोगों ने आज से शुरू किया है साउंड थेरेपी। लाइक हम लोग आप जैसे आर्टिस्ट से जुड़ सके और डेली ऐसे जैमिंग सेशन हो, आप लोग गाना गाए, हम आपके होस्ट और ऑडियंस है यहाँ पे, तो मजा आए। मैं आपके अभी आपकी प्रोफाइल चेकआउट कर रहा था, मैं देख रहा था कि आप कितने सारे पोस्ट शेयर कर रहे हो प्लाज्मा डोनेशन के, इनके मतलब काफी अच्छा लगा देख करके कि लाइक लोगों को हेल्प मिल जाए सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं। बट लोग अभी जिस तरह सब लोग दूसरे की हेल्प कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। दे आर जस्ट पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, दे आर पासिंग ऑन हेल्प, दे आर पासिंग ऑन नंबर्स दैट कैन बी हिट अपॉन बिकॉज। और बहुत सारे डेयर डेविल्स हैं, बहुत सारे ब्रेव हार्ट्स हैं जो बाहर जाकर के भी हेल्प कर रहे हैं लोगों को। सो आई थिंक अभी क्या कि वी नीड टू हेल्प ईच अदर, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। सो आई थिंक राइट नाउ चाहे आप उसको किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, प्लीज do everything that you can to help. हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि हम घर बैठे बैठे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो try and do that. That's all I would say. Yeah. बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा शुरुआत करते हैं आज के इस साउंड थेरेपी की। कोई सा भी कोई गाना आप गुनगुनाना चाहे प्लीज। Tell me which one according. Like last तो मैं वो ये हौसला ही सुन रहा था, तो उसी से। Cool. Here we go. ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। दिस गोज आउट टू एक्चुअली ऑल द मेडिकल स्टाफ दैट इज हेल्पिंग अस राइट नाउ। आई मीन
इफ इट वर्न फॉर ऑल ऑफ देम वी वुड बी पता नहीं कहाँ होते हम लोग. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग. बिल्कुल. और ये वीडियो आपने जो अपलोड किया है कितना पुराना है? लाइक मैं भी देखा था काफी पुराना, किसी स्टेज शो का है लाइक, है ना? दिस वीडियो इज 2019 नवंबर. तो अच्छा, आपने लास्ट स्टेज शो कब किया था? कितना टाइम हो गया? कितना मिस कर रहे हो उस चीज को? लास्ट ईयर मार्च आई थिंक इट वाज 7th ऑफ मार्च और समथिंग लाइक दैट. मिस करते हैं बट यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग राइट नाउ मैं एक ही चीज मिस कर रही हूँ कि जब हम लोग सुबह उठते थे और न्यूज में ऐसा कुछ नहीं होता था कि इतने सारे केसेस हैं और इतने सारे लोग हैव पास्ड अवे. आई थिंक मैं वो दिन मिस कर रही हूँ, वो एक दिन जिस दिन हम कह सके कि इंडिया में वो सेफ्टी हो चुकी है और यहाँ पर कोई नहीं मर रहा है इससे. इंडिया ही में नहीं, पूरी दुनिया में. आई मीन मुझे लगता है कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं उन सब में जो लोग हैं जो भी इससे गुजर रहे हैं, जो जिनकी फैमिली इससे गुजर रही है, हम सब एक साथ हैं. अभी हमको सबके लिए बुरा लग रहा है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूमन इमोशन दैट पीपल आर गोइंग थ्रू. एंड चाहे ये ब्राज़ील में किसी की मौत हो या यूके में हो या इंडिया में हो, कहीं भी हो, आई थिंक वी आर ऑल फीलिंग सॉरी एंड बैड फॉर देम. सो ऑल आई से इज दैट एज ह्यूमन बीइंग्स लेट्स जॉइन टुगेदर एंड स्टे कनेक्टेड एंड हेल्प ईच अदर आउट. या और इनफैक्ट लाइक कल जब मैं कुछ जब इंस्टाग्राम कल चला रहा था, एक तो आजकल हर किसी की स्टोरीज पे मुझे अच्छा भी लगा, लोग शेयर कर रहे हैं सब कुछ. और मैं कोशिश कर रहा था जितने लोगों के मैं स्टोरीज देख रहा था तो सबको मैं पूछा था और भाई कैसा है और यार कैसी हो तुम और सब कुछ बढ़िया है ना घर पे सब कैसे, तो लोग रिवर्ट कर रहे थे यार आज एकदम से क्यों पूछ रहे, क्या हो गया. मैंने कहा यार कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से पूछ सकूँ और काफी लोगों से मैंने पूछा. इनफैक्ट मुझे बड़ा हैरान हुआ जानकर के एक दो लोग कोविड पॉजिटिव भी निकले, तो मैंने पूछा यार कब से, बोले इतना टाइम हो गया बट अब ठीक है यार, अच्छा लग रहा है, मस्त बैठे हैं. तो मुझे ये चीज अच्छी लगी थी यार, लाइक अपने दोस्तों से परिवार वालों से पूछते रहो, ये भी अपने आप एक अच्छा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज है कहीं ना कहीं एक चीज. हां आई मीन लाइक दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू सेड कि अभी हम घर पे बैठे हैं, तो प्लीज अगर आप घर पे हैं और आप सेफ हैं एंड हेल्दी हैं तो प्लीज डू यू नो कॉल योर फ्रेंड्स जिनसे आपने बहुत दिनों से बात नहीं की है या यू नो आपने बहुत दिनों के कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया, तो जस्ट डू हिट देम अप एंड आस्क देम आप कैसे हो. एंड अभी अगर कोई पूछता है कैसे हो तो मतलब लगता है कि हाँ जेन्युइनली पूछ रहा है कि कैसे हो, इट्स नॉट स्मॉल टॉक. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कॉल आवर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर एवरीवन इज फाइन. या अच्छा, जैसे मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो कभी आपका राजस्थान आना हुआ है? सो मेनी टाइम्स इट्स तो कोई इतने कोई बार हमने कोई राजस्थानी गाना कोई भी कुछ लाइन अगर हो जाए, एनी सॉन्ग जो आपको याद आ रहा है राजस्थान बोलते जो गाना आपको याद आ रहा है लाइक ये मैं गुनगुना सकती हूं. ऑफ कोर्स राजस्थान से मुझे हमेशा दो लोगों के साथ मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ. एक तो मेहदी हसन साहब हैं जो राजस्थान के पैदा हुए हैं लूना डिस्ट्रिक्ट के, और एक है सुल्तान खान साहब जो ऑब्वियसली राजस्थान से हैं. सो जब भी मैं वहाँ रहती हूँ, इनफैक्ट हमने बहुत सारा म्यूजिक वहाँ का सुना हुआ है, बट ऑफकोर्स द मोस्ट हॉस्पिटैलिटी वाला जो हमारे राजस्थान का होता है केसरिया नी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश हो केसरिया पधारो मारे देश रे. सो आई फील इट इज सच अ आई थिंक द वन सॉन्ग दैट यू कनेक्ट वेरी इजीली विद राजस्थान एंड द हॉस्पिटैलिटी दैट दे हैव. सो लाइक हमारे हर जगह बैकग्राउंड म्यूजिक में गाना जरूर चलता है कहीं ना कहीं, हो मतलब ये तो प्ले होगा ही होगा किसी ना किसी फंक्शन के अंदर. बैकग्राउंड नहीं भी हो तो आई थिंक इट्स वो हमारे डीएनए में है वो, कि हमारे जो एक हॉस्पिटैलिटी और खातिरदारी और एक मेहमान नवाजी जो है ना हमारे इंडियन कल्चर में वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट इंडिया. एंड या
मैंने रिसेंटली हम लोगों ने प्रीमियर भी किया था वो गाना शिल्पा राव के साथ, जो हम लोग बोलते थे रावण, मुझे पर्सनली जो वो बहुत सारे ट्रैक्स आए थे, तो ये काफी जी डिफरेंट साउंड, लाइक इट्स ए साइड रन सॉर्ट ऑफ, तो ये कैसे जी हुआ, कैसे बात हुई अमित त्रिवेदी सर के साथ, क्या सीन था इस गाने के पीछे? कुछ नहीं, बिकॉज अमित अमित के साथ ऑब्वियसली, आई मीन ऑफ कोर्स हम लोग वी मीट अप फॉर सॉन्ग्स. आई वाज रिकॉर्डिंग शाबाशियां फॉर मिशन मंगल, बट ही जस्ट सेड कि यू नो ये गाना है, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस पार्ट, सो कैन यू जस्ट लाइक डू समथिंग ऑन इट. सो एक 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 होती है एक म्यूजिशियंस के बीच एक वो एक ब्रो कोड होता है कि आप बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं म्यूजिक को लेकर के, चाहे वो कोई भी गाना हो, फिल्म का हो या नहीं हो, कुछ एक आइडिया होता है तो हम काफी एक्साइटेड हो जाते हैं. सो देन यू जस्ट लाइक स्टार्ट रिकॉर्डिंग नो मैटर व्हाट हैपेंस. सो इट्स वन ऑफ दोज सॉन्ग्स वेयर देयर वाज नो पर्पस और नो डायरेक्शन टू इट, बट वी स्टिल वर्क ऑन इट एंड या आई मीन आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस लाइक इट. सो दैट्स इट. इट्स अ सो अभी म्यूजिशियन राइट नाउ ब्रो कोड. अभी आप पूरा घर पे ही हैं, तो लाइक अभी दिन में कितने घंटे ज्यादा आई गेस आप रिहर्स कर पा रहे होंगी, अपने गले को वो दे पा रहे होंगे लाइक? सी रियाज तो ऑब्वियसली वी डेफिनेटली डू, चाहे वो काम हो, बिकॉज ये बहुत ही गलत सा ये होता है कि हाँ मतलब इतने बिजी होते कोई रियाज नहीं हो सकता. दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू से एंड नॉट अ गुड थिंग टू डू, चाहे आप जितने भी बिजी हो, बिकॉज आप म्यूजिशियन हैं ये आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, देर इज नो एक्सक्यूज फॉर इट. हाँ बट द पॉइंट इज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. रियाज ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, रियाज इफेक्टिव होना चाहिए, सही होना चाहिए. सो आप चाहे आधे घंटे में रियाज करें बट उसको इफेक्टिवली करें, उसको सही फोकस में करें, या कभी कभार वो बहुत टाइम लग जाता है, कोई एक चीज एक बार आप समझ नहीं पाते हो तो यू पुट इन ऑलमोस्ट सो मेनी वीक्स ऑफ एफर्ट टू इट टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो गा नहीं पाएंगे. तो रियाज हैपेंस लाइक इन 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 वेरियस स्टेजेस. पहले आपको सुनना है, उसको समझना है, फिर गाना. सो ये स्टेजेस आप शायद आधे घंटे में पार कर लें, या कभी कभार बहुत हफ्ते लग जाएं, कभी कभी बहुत साल भी लग जाते हैं. सो ऑफ कोर्स बट या यू कांट गिव अप एंड यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड ऑन इट. सो रियाज आई डोंट थिंक यू शुड मिस, नो मैटर, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर मिसिंग रियाज. मैं आपके काफी इंटरव्यूज देख रहा था, लाइक इसमें एक इंटरव्यू में आप बोल रही थी था जहाँ पे आपने जिंगल्स, आप मुंबई में आपकी शुरुआत हुई थी, आप जिंगल्स बनाया करते थे, फिर वो एक आई जस्ट कॉलेज सिंग टाइम के अंदर जिंगल्स. आप, हाँ हाँ, तो आई जस्ट सिंग जिंगल्स वो यार. स्ट्रगल टाइम कैसा था, लाइक उसमें कितना क्या था कि लाइक यार एक मौका मिल जाए, फिर मिथुन सर से आपकी मुलाकात हुई, फिर वो आपको पहला ब्रेक मिला, एक वो टाइम कैसा था, लाइक कभी अभी कभी ऐसा नहीं आया कि यार अब हो नहीं पा रहा, वापिस चलते हो अपने शहर, हो गया मुंबई? नहीं आई डोंट थिंक कभी ऐसा लगा, बिकॉज ऑल्सो एक ऑफ कोर्स मुंबई के बारे में लोग सोचते हैं कि बहुत फास्ट सा शहर है, बहुत पता नहीं कैसा लगता होगा, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस दैट मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको ना एक इंसानियत के साथ आपका एक कनेक्शन हो जाता है. पीपल ओवर हियर रियली हेल्प ईच अदर, पीपल हियर दे नो वॉट इट इज टू बी देयर फॉर ईच अदर. तो आई थिंक मुंबई उस तरह बहुत ही, मैं कहूँ क्या बोलूँ, एक एक बहुत ही एम्पेथेटिक सा शहर है जहाँ पर लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं. सो वो मतलब ये शहर आपको बहुत ही मेहनती, बहुत ही मतलब एक 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 अच्छा इंसान बनाता है. दैट्स वन थिंग फॉर श्योर. इस शहर में बहुत प्यार है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कलामिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट लोगों का यहाँ पर स्पिरिट बहुत हाई होता है. सो मुझे मुझे वो बहुत अच्छा लगता है मुंबई के बारे में. तो कभी मुंबई छोड़ने का ऐसा मन तो नहीं किया, बट आई थिंक थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूरी होता है. आप जहाँ भी रहते हो थोड़ा ब्रेक हो जाता है. तो हम कभी अब राजस्थान में इतने सारे हमने कॉन्सर्ट्स किए, तो कभी कभार एक दो दिन और वहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है. या कहीं कभी हम दिल्ली चले गए, या कभी बैंगलोर चले गए, या कहीं कोलकाता चले गए. सो देयर इज अ लिटिल ब्रेक दैट यू टेक, जो एक 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 माइंड के लिए जरूरी होता है. बट या यू यू डू कम बैक टू बॉम्बे, बिकॉज या दिस प्लेस इज लाइक हार्ट.
ऑल हार्ट या ओके लाइक अभी मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था तो लाइक डीवी के उन्होंने लिखा कि मुंबई की हवा में ही बहुत एक अलग सी बात है और किसी ने मुंबई की हवा बहुत सही होती है बिकॉज ये सी ब्रीज हमारे हमारा हमेशा होता है. जितनी गर्मी हो कोई बात नहीं लेकिन हवा ठंडी रहती है. तो वही मैं कहूँ कि चाहे लोग जितना भी बिजी हो लेकिन अगर आप हेल्प करने के लिए बोले तो जरूर हेल्प आपको मिल जाएगा. तो उसके लिए लोगों के पास टाइम होता है. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट बॉम्बे. तो इट्स लाइक अभी लोग इतना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ उनके लिए हो जाए एक बार आज जाने की जिद ना करो कि अभी बाहर मत निकलो अभी आ जाओ तो कुछ नहीं नहीं अगर हो जाए या श्योर या व्हाई नॉट. आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो. आज जाने कि जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे. ऐसी बातें किया ना करो. आज जाने की जिद करो. स्टे होम यार स्टे होम. सारे इमोजी यूज कर लिए लोगों ने नीचे जितने भी वो कर सकते थे. अच्छा लोगों का ड्रीम होता है कि यार इस म्यूजिक कंपोजर के साथ काम करना है, इसके साथ करना है. आई गेस आपने सबके साथ कर रखा है. जितना जितने भी बड़े बड़े अगर इंडिया के नाम देखे जाते हैं तो अब मैं ऐसे पूछूंगा कि सबसे अच्छा किसके साथ लगा आपको काम करके, तो आप पक्का बोलोगे नहीं सब अच्छे होते हैं. तो आई वॉन्ट किनके साथ सबसे अच्छा आपने मतलब टाइम स्पेंड कर, जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सबसे ज्यादा जिनसे ज्यादा मजा आता है आपको कि इनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है, तो कौन से म्यूजिक कंपोजर है? आपको कभी कभार एक लेसन या सीख ऐसे आदमी से मिल जाती है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो. सो राइट नाउ फ्रेंकली स्पीकिंग यू शुड कीप योर माइंड ओपन. आप चाहे किसी नए कंपोजर के साथ काम करते हो या बहुत ही मंझे भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. अ गुड सॉन्ग कैन कम फ्रॉम एनी वेयर. सो आई डेफिनेटली वेन एवर समन कॉल्स मी फॉर अ सॉन्ग चाहे वो नया बंदा हो या कोई बड़ी प्रोडक्शन हाउस हो जो भी हो, गाना आप सबसे पहले देखो कैसा गाना है. इफ यू आर एंजॉयिंग इट आर यू कनेक्टिंग विद इट. अगर वो नहीं हो रहा है देन फिर आप कुछ भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो ऑलवेज हैव एन ओपन माइंड क्योंकि हम म्यूजिक करते हैं. म्यूजिक ही हमारे सारे डिसीजन मेकर होना चाहिए, नॉट एनीथिंग एल्स. सो फोकस ऑन द म्यूजिक एंड आई थिंक द रेस्ट विल बी ऑल फाइन. सो एंड What do you think, आजकल सोशल मीडिया ने कितना हेल्प करा है एज अ म्यूजिशियंस वो लोगों तक पहुंचने के लिए? सोशल मीडिया हेल्प तो अच्छा करता है. आई एम नॉट डिनाइंग इट. कोई भी चीज कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी नई चीज है वो आपको ऑब्वियसली जैसे अभी इफ आई कंपेयर इट इफ यू हैव अ वैक्सीन वैक्सीन इज गुड. देयर आर मेनी वैक्सीन इन द वर्ल्ड. ईच वैक्सीन इज ट्राइंग टू हेल्प यू. ओके Now, if the vaccine is misused and you are hoarding it and you're not giving it to people and making misuse of the power, which is not good. In the same way, your social media is there. Social media logo ko connect karne ke liye bana hua hai. But agar aap social media ke liye music kar rahe hain, to phir to kuch galat hai. Agar aapko music karna hai, to aap music ke liye karo. You want to do music because of the love of music. Not because you want to be an influencer or you want to be a musician and do music. Yeah, come on, it's that simple. So stop using social media to get famous because that's not reality. So that's that. Because आपने तो सारा ओरा देखा हुआ कहा जिस दो आई गेस 2007 में आपने डेब्यू किया था बॉलीवुड. तो इस ये आ रहा है, ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे आपने बोला कि आप फेमस होने के लिए कर रहे हो तो फिर आप मत करो, बट हाँ कुछ चीज बनाएंगे लोगों तक पहुंचानी है. आई गेस बहुत सही है. आई थिंक सोशल मीडिया बहुत अच्छा है कि अभी कितने कितने सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू
हेल्प मांग रहे हैं और जिनको जरूरत है वो लोगों को, वो लोगों तक पहुंच रहा है. और एक सोशल मीडिया इज डूइंग इट्स जॉब वेल, बट अगर इसको हम लोग मिसयूज करें तो फिर खराब भी होता है ना. तो आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज यूज समथिंग वेल. जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी है आप उसका मिसयूज तो कर ही सकते हो, बहुत आसानी से हो सकता है. तो उसका यूज अच्छा करो. सोशल मीडिया है तो उसको अच्छे से यूज करो. अच्छे अच्छे म्यूजिक को आप लोगों तक पहुंचाओ, कुछ अच्छा करिए. बट हाँ, अब लाइक्स नहीं आए ये सब को लेकर के आप डिप्रेशन में मचल रही है, प्लीज. ये कोई मतलब पुख्ता चीज नहीं है. सो यू नो यू आर व्हाट यू आर, ऑलवेज रिमेम्बर दैट. सो ओके एंड थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके. एंड प्लीज एनी सॉन्ग, कोई भी जाते जाते कोई गाना, अगर आप जितने भी लोग सुन रहे देख रहे हैं उनके लिए कोई सा भी ट्रैक, एनीथिंग, कोई सा भी. वी विल डू डोल यार डोल, आई थिंक बट नॉट सांग दिस सॉन्ग इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो यू वांट सिंग दैट? ओके. छा गए मुझ पे जादू करके बारी तोड़े, जाऊं मैं सदके ढोल यार ढोल, मौज की पींगे झूलूं, दे दे मोहे हाथ, पाँव में घुंघरू बाजे रे, नथनिया बिंदिया साजे रे, इसक में डूबे हाय रे. हो छा गए मुझ पे जादू करके बारी तोड़े, जाऊं मैं सदके ढोल यारा ढोल. तो ये था आप सबके लिए. एंड प्लीज जाते जाते घर पे रहिए, प्लीज स्टे सेफ, वेयर अ डबल मास्क इफ यू स्टेप आउट, अगर जरूरत पड़े तो. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, प्लीज गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे ये कोरोना हमको छोड़ के जाने वाला नहीं है. सो प्लीज 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 थिंक ऑफ इट, रिमेंबर दैट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. दैट्स ऑल आई एम गोना टेल. बिल्कुल, मैं भी वही कहना चाहूंगा कि मुझे पता जितने भी लोग बाहर निकलते हैं, निकलने से पहले उनका बहाना तैयार होता है कि कोई भी पकड़ेगा मैं ये बोल दूंगा. तो लाइक बहाने आपके पास हजारों हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, बट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही रखना है. तो मैं वही कहूंगा प्लीज जितना हो सके, सब कुछ घर से ही हो रहा है तो कोशिश ये करें सब लोग प्लीज घरों में रहो, बाकी घर पे रहिए. अगर बाहर निकलना है तो इसका एक ही रीजन होना चाहिए कि आप अपना वैक्सीन मिलने के लिए जा रहे हैं, और कोई रीजन से आप घर से बाहर मत निकलो प्लीज. बिल्कुल निकलना. एक बहुत बहुत ज्यादा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मतलब मेरी प्लीज बात मान लीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके साथ बात करके. स्टे सेफ, स्टे सेफ होम, बाय, टेक केयर. बिल्कुल, आप भी, बाय बाय, टेक केयर. सो गाइस, ये लाइव अभी सेव हो जाएगा तो आप लोग प्लीज देखें, यहाँ से कनेक्ट करें. बाकी वापस से मिलते हैं साउंड थेरेपी में आप सभी से. वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.